अभी हम स्टार्ट करेंगे 20x42 फीट हाउस प्लान डिज़ाइन। आपके साथ शेयर करेंगे इस डिज़ाइन का 3D और 2D ड्राइंग। आपको इसके अंदर जो डिटेल्स है, इसके अंदर फर्नीचर लेआउट प्लान, कॉलम लेआउट प्लान और स्टेयर का जो डिटेल्स है उसको आपको देखने के बाद मिल जाएगा 3D के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम 3D आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर 3D प्लान जो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया था, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें 3D प्लान जो है इसको हमने रेडी किया है। यहाँ पर हमें रूम के साथ यहाँ पर टॉयलेट और इसका जो ओपन हॉल रूम, डाइनिंग, उसके बाद बेडरूम, स्टेयर रूम, पोर्च एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेयर के हिसाब से ऐसे रहेगा। राइट साइड से क्लॉक वाइज स्टेयर हम यहाँ पर सेट किया है, तो आपको इसको देखने के बाद समझ में आ जाएगा हमने यहाँ पर कैसे डिजाइन किया है। ओके, तो उसके बाद ये जो कॉलम है इसको भी हमें हाइट पर रखना है, थोड़ा सा इतना तक। उसके बाद इस लाइन को हम डिलीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें और जो वॉल है यहाँ पर इसका हमें 7 फीट 6 इंच हाइट पर रखना है, इसको हमें इतना तक लेकर आना है, इधर भी। उसके बाद इधर पोर्च एरिया, हमें फ्रंट साइड में पोर्च एरिया मिलेगा। पोर्च एरिया हमें देखिए एक ओपन एरिया है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जगह स्पेस मिल जाएगा जहाँ पर हम इसका बाइक या स्कूटी, छोटा कोई पार्किंग का एरिया हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फ्रंट से आपका जो बिल्डिंग का जो प्लानिंग है, प्लानिंग वाइज इसका जो फ्रंट एलिवेशन है उसको भी देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे ड्राइंग किया है डिज़ाइन के साथ। देखिए ऐसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, आपको समझ में आ गया है यहाँ पर हमने किस टाइप का डिज़ाइन किया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड करना है, कुछ कलर ऐड करना है। ओके, जिससे आपको पता चल जाए यहाँ पर क्या क्या है, कैसे रहेगा। तो यहाँ पर हमें फ्रंट साइड में 7 फीट हाइट और 4 फीट 6 इंच डेप्थ में यहाँ पर एक ऐसे विंडो दिखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें कैसे विंडो ऐड करेंगे, यहाँ पर हमें 7 फीट हाइट और यहाँ पर 4 फीट डाउन में ऐसे एक डिज़ाइन यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे रहेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो है इसका विंडो और डोर का पोजीशन फ्रंट साइड से हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें ऐसे इसका देखिए जो पोजीशन है इसको ऐसे यहाँ पर GL to PL का लाइन इधर से हमें सेटिंग करने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन किया है यहाँ पर GL to PL का पोजीशन ऐसे रहेगा। तो नेक्स्ट हम जाएंगे इसके अंदर इसका फर्नीचर लेआउट प्लान पर। फाइनल फर्नीचर लेआउट प्लान, फ्रंट एलिवेशन का जो पार्ट है इधर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पहले इधर दो स्टेप है, यहाँ पर एक पोर्च एरिया देखिए, पर राउंड शेप का यहाँ पर आपका कॉलम है, यहाँ पर विंडो, इधर विंडो। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो सोफ़ा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर सीट आउट या ड्राइंग रूम आएगा। उसके बाद देखिए इधर थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पर डाइनिंग टेबल, यहाँ पर आपको एक टॉयलेट मिलेगा, बाथ एंड लेटरिन, यहाँ पर किचन, यहाँ पर बेड और फ्रंट साइड में एक बेड। ओके, तो ऐसे करके हमने आपको 2 बेड का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो डिटेल्स है तो डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। उससे पहले देखिए कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और देखिए यहाँ पर जो स्टेयर है ना, यहाँ पर स्टेयर है तो हम चाहे तो यहाँ पर स्टेयर के इधर एक कॉलम हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इतना तक हमें एक कॉलम का पार्ट स्टेयर तक हमें लेना चाहिए, नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
जो स्टेयर जो पार्ट है ये लोड ज़्यादा आता है स्टेयर में, इसलिए आपको यहाँ पर कॉलम का पोजीशन ऐड करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना तक लेकर आएंगे, तो इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा इतना जगह मिल जाएगा, तो आप चाहे तो कॉलम इसको इधर तक ले सकते, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप यहाँ पर जो कॉलम है हम यहाँ पर ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलग कोई पोजीशन से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ टेक्निकल पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं, इसका मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा सिंपल डिज़ाइन, सिंपल ड्राइंग 20 और 42। इसमें बेड तो दो बेडरूम है, 11x13 का एक बेडरूम, और इधर भी 11x13 का एक बेडरूम, दो बेडरूम है, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉयलेट 7 फीट बाई यहाँ पर 4 फीट 6 इंच का टॉयलेट है। उसके बाद देखिए 7 फीट 9 और यहाँ पर 9 फीट वाइड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 फीट 5 और इधर जो 7 फीट 9 यहाँ पर डाइनिंग टेबल आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमने ड्राइंग के अंदर दिखाया है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 फीट 10 इंच और इधर जो डिस्टेंस है हम इधर से ले सकते हैं दादा 7 फीट 9 इंच। इसके अंदर हमें छोटा सा एक सीटिंग और कम ड्राइंग एरिया आपको आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पोर्च एरिया 7 फीट और यहाँ पर 8 फीट 2 इंच का पोर्च एरिया है। उसके बाद देखिए स्टेयर का जो पोजीशन है 8 फीट 4 इंच, यहाँ पर 8 फीट 6 इंच, यहाँ पर आपको 6 फीट 4 इंच ऐसे मिलेगा। उसके बाद देखिए 3 फीट, यहाँ पर 3 फीट, यहाँ पर 3 फीट, ऐसे डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 20x42 का यहाँ पर जो कॉलम है आपको 16 नंबर्स कॉलम यहाँ पर मिल रहा है, तो आप एक बार ड्राइंग को ठीक से देख लीजिए, ठीक है। आपको अगर कुछ इसके अंदर ऐड और इसको कुछ अंदर आपको मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं। 20 × 42 = 840 square feet, इसका जो टोटल कॉस्टिंग आएगा हम इसके साथ 1800 इंटू करेंगे तो 15,12,000 रुपीज़ आपको टोटल खर्चा आएगा। आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको प्लान डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।